अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा प्रीलिम का आखिरी टॉपिक है बोन्स का, बोन्स ऑफ हैंड। इससे पहले हमने ह्यूमरस, इसके अलावा रेडियस अल्ना एंड पिक्टोरल गर्डल, इस पे हमने वो जानकारी हासिल की थी ऑलरेडी। तो आज हम पढ़ेंगे बोन्स ऑफ द हैंड का। चले आइए और पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, एक लिखा है इसके लिए कि ये हमारे साथ क्या है, कार्पल बोन्स है। ठीक है, ये पहले जो हम पढ़ते हैं इसमें कार्पल है, मेटाकार्पल है और फेलेंजेस है, लेकिन उसमें स्पेशली हम कार्पल बोन के बारे में अभी पढ़ते हैं। ठीक है, कि कार्पल बोन क्या है, फिर उसके बाद मेटाकार्पल है और फेलेंजेस सारे अब इस वीडियो में होंगे। तो पहले है कार्पल बोन। कार्पल बोन हमारे साथ कितने हैं, टोटल 8 बोन है। यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ से स्टार्ट होके ये कार्पल बोन है और ये हमारे साथ स्पेशली क्या बनाती है, रेस्ट बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ टोटल कितने बोन है, 8 बोन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हमारे साथ 8 बोन है। लेकिन दीज गाइज अरेंज्ड इन टू टू रोज, ये हमारे साथ टू रो, अगर आप लोग देख लें ये दो कतारों में अरेंज है, इसको तरतीब दिया गया है। एक हमारे साथ क्या है, प्रोक्सिमल रो है। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, प्रोक्सिमल रो है इन द ब्लैक, वाइल द गाइज इन द रेस्ट, ये हमारे साथ कौन से रो में है, डिस्टल रो में मौजूद है। ठीक है, और इनकी शेप अगर आप देख लें तो वो हमारे साथ क्या है, ये तो अभी मैंने हैंडमेड बनाए है, तो ये इसकी ओरिजिनल शेप इररेगुलर है। ठीक है, और ये इनको जो टू रो में डिवाइड किया गया है उसकी बिल्कुल आप लोगों ने तरतीब से सीखना है कि फ्रॉम लेटरल, ठीक है, ये हमारे साथ लेटरल साइड है, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, फ्रॉम लेटरल टू मीडियल कौन कौन सी बोन है। एक हमारे साथ है स्केपोइड, ल्यूनेट, ट्रिक्वेट्रियम एंड पिजिपोम, ये इस रो की बोन है। इसके अलावा ट्रिपीजियम, ट्रिपिजॉइड, किपिटेट, ह्यूमेट। तो इसको हम किस तरह से आसानी के साथ याद रखेंगे, इसके लिए नोमोनिक्स है, वो है शी लुक लुक्स टू प्रिटी, शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर। ठीक है, तो अब हमारे साथ ये जो पहला एस है, दिस गाय स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्केपोइड, तो हमारे साथ ये कौन सी बोन हुई, स्केपोइड हुई। फिर एल स्टैंड्स फॉर व्हाट, ल्यूनेट, ये हमारे साथ क्या हुई, ल्यूनेट, ये फ्रॉम लेटरल टू मीडियल ये रो है। ठीक है, इसके अलावा टी फॉर ट्रिक्वेट्रियम, ये हमारे साथ है ट्रिक्वेट्रम, ठीक है, और पी फॉर पिजीपॉम बोन, ये हमारे साथ क्या है, पीजी फॉर्म बोन है। ठीक है, तो ये हमारे साथ ये जो ब्लैक में थे ये क्या थे, प्रोक्सिमल रो की बोन है। ठीक है, और इसके ये नाम थे। इसके अलावा अगर हम फिर देख लें, ट्राई टू कैच हर, टी फॉर ट्रेपीजियम, ये हमारे साथ क्या हुई, ट्रेपीजियम, ये वाला बोन हुई। इसके अलावा ट्रेपीजॉइड, ये दूसरा टी जो है ना ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ट्रेपीजॉइड। अब अगर आप लोग देख लें यहाँ पर ट्रेपीज जी तक ये सारे स्पेलिंग एक जैसे हैं, लेकिन अगर आप समटाइम्स कंफ्यूज होते हैं कि लेटरली कौन है और मीडियली कौन है, इस साइड पे हमारे साथ किया है ये मीडियल साइड है और ये क्या है, लेटरल साइड है। ठीक है, तो अगर आप जी तक तो सारे दोनों सेम है, फिर आप देख लेंगे यहाँ पे आई है और यहाँ पे ओ है, तो हमारे साथ इंग्लिश अल्फाबेट में जो बंदा पहले आएगा वही पहला होगा, तो हमारे साथ ई पहला आता है, तो ये क्या है, ट्रिपीजियम बोन है, और इसके अलावा इसके बाद कौन है, ट्रिपीजॉइड है, तो ये हमारे साथ सेकेंड नंबर पे होगा। फिर इसके अलावा सी है कैच में, तो ये किस चीज़ कौन सा बोन है, कैपिटेट बोन है। इसके अलावा कौन सी बोन है, एच फॉर हेमेट, तो ये हमारे साथ कौन सी बोन हुई, हेमेट बोन हुई। ठीक है, तो ये हमारे साथ ट्रिपीजियम, ट्रिपीजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट, ये सारे बोन थे कार्पल बोन थे हमारे साथ डिस्टल रॉ में। ठीक है, ये हमारे साथ थोड़ा सा दूर है। ठीक है, ये प्रोक्सिमली और डिस्टली का मतलब ये है कि इसी तरह से अगर हम आते हैं टूवर्ड द बॉडी तो ये हमारे साथ प्रोक्सिमल है, अगर इससे इस तरफ जाएंगे तो ये हमारे साथ क्या है, डिस्टल है। ठीक है, तो इस बोन पे, इस बेस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब इसके बाद अगर हम आएंगे टूवर्ड द मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, लेकिन इससे पहले एक यहाँ पे और भी आप लोगों के स्लाइड में, बुक में एक टर्म्स है, प्लेक्सर रेटिनाकुलम। ये प्लेक्सर रेटिनाकुलम हमारे साथ क्या है, ये कहता है कि ये हमारे साथ एक मेम्ब्रेनियस बैंड्स है विच स्पांस बिटवीन मीडियन एंड लेटरल एजेस ऑफ द
कार्पल बोन, ये हमारे साथ सारे कार्पल बोन है। इसकी जो लेटरल साइड है और इसके अलावा मीडियल साइड्स, इससे इसी तरह से स्पांस होती है, ठीक है। अगर आप, मैं आसानी के साथ यहाँ पर देख वो आप लोगों के साथ शो कर सकती हूँ। ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल प्रोक्सिमल ग्रुप थी, रो थी, और ये डिस्टल है, ठीक है। तो इनसे ये क्या होती है, इसी तरह से इनके ऊपर, इन बोन के ऊपर इसी तरह से एक मेम्ब्रेनियस बैंड बनती है, ठीक है। मैं इसको इसके साथ भी शो कर सकता हूँ, इसी तरह से ये हमारे साथ क्या होती है, इस साइड पे ये इसी तरह से एक बैंड बनाती है, ठीक है। इसकी एक बैंड बन गई, और इसकी जब एक बैंड बन गई तो यहाँ पर एक टनल सी भी बन गई, ठीक है। इसी तरह से इसमें फिर एक टनल बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्पल टनल कहते हैं। ये फॉर्मिंग व्हाट, कार्पल टनल। और स्पेशली इस टनल में एक नरो होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो नरो हमारे साथ क्या है, मीडियन नरो है, ठीक है। समटाइम्स यहाँ पर फिर ये जो लिगामेंट है यहाँ पर टेंडन, इसमें ये प्रेस होती है और उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम भी जन्म लेती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो कार्पल टनल है, ठीक है। इसमें मेडियन बोन होती है, और ये हमारे साथ बिटवीन्स किस चीज़ के मौजूद है, इस साइड में मीडियल एंड लेटरल एजेस ऑफ द कार्पल बोन। ये हमारे साथ लेटरल साइड हुई और ये मीडियल साइड हुई, और इसी तरह से एक शीथ होती है, ठीक है। और इनमें से इसी तरह से एक टनल बनती है, जिसे हम कार्पल टनल कहते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं कार्पल बोन्स पे, द गाइज इन द ब्लू, ये हमारे साथ क्या है, वो है मेटाकार्पल है। ये हमारे साथ प्रोक्सिमली आर्टिकुलेट विद द कार्पल बोन। ये अगर मेटाकार्पल देख रहे, ये हमारे साथ क्या है, मेटा कार्पल बोन्स है, ठीक है। और ये मेटाकार्पल प्रोक्सिमल, ये हमारे साथ अब ये साइड क्या होगी, प्रोक्सिमल होगी, और ये क्या होगी, डिस्टल होगी। ये डिस्टल और ये प्रोक्सिमल होगी। तो प्रोक्सिमली ये हमारे साथ कार्पल बोन के साथ आर्टिकुलेशन बनाती है, जबकि डिस्टली ये पेलेंजेस, ये हमारे साथ क्या है, पेलेंजेस है, पेलेंजेस के साथ। तो यहाँ पर लिखे है प्रोक्सिमली आर्टिकुलेट विद द कार्पल्स, ठीक है। ये हमारे साथ कार्पल हुई। और इसके अलावा अगर हम देख लें तो ये वो डिस्टली डिस्टली आर्टिकुलेट विद द प्रोक्सिमल पेलेंजेस। डिस्टली मतलब ये हुई, लेकिन पेलेंजेस अगर एक आप लोग देख ले, ये हमारे साथ सारे क्या है, पेलेंजेस है। लेकिन पेलेंजेस में भी फिर ये हमारे साथ प्रोक्सिमल पेलेंजेस, ठीक है, ये हमारे साथ इंटरमीडिएट पेलेंजेस, और ये डिस्टल पेलेंजेस हुई, ठीक है। तो ये इस प्रोक्सिमल पेलेंजेस के साथ डिस्टली आर्टिकुलेशन बनाती है, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इस ये हमारे साथ कितने नंबर है, 5N नंबर। अगर इस साइड से देख लें, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे साथ 5N नंबर है, ठीक है। 5N नंबर, ईच हैविंग बेस, शाफ्ट एंड हेड। अगर आप लोग यहाँ पर इसकी देख लें, ये हमारे साथ इसकी क्या है, आई वुड लाइक टू ड्राई इट विद इन अ डिफरेंट कलर। ये हमारे साथ क्या है, बेस है, ठीक है। यहाँ पर ये जगह क्या है, शाफ्ट ऑफ द मेटाकार्पल बोन्स है, और ये क्या बनाती है, ये सारी चीज़ें, ये हेड है, ठीक है। और ये हेड फिर हमारे साथ इस प्रोक्सिमल पेलेंजेस के साथ बन के क्या बनाती है, नकल बनाती है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देख लें, ठीक है, यहाँ पर ये थी। अब इसके बाद हमारे साथ क्या हुई, इस कार्पल बून के बाद ये इसी तरह से मेटाकार्पल बून बन गई, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर देख ले इसको, ये इसकी हेड ऑफ द मेटाकार्पल बून है, और ये क्या बनाती है, नकल। असल में नकल इसको कहते हैं, ठीक है, थीके? आपको ये साउंड्स वो सुनाई गई, ठीक है, इसको असल में नकल कहते हैं, ठीक है। और ये इसी तरह से हेड से बनती है, और ये स्पेशल टाइप ऑफ साउंड बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये बनाती थी। इसके अलावा अगर हम लोग मजीद देखें, तो ये मेटाकार्पल बोन टूवर्ड द तंब, ठीक है, ये हमारे साथ तंब है। ये फर्स्ट मेटाकार्पल टूवर्ड द तंब होगी, फिर सेकंड मेटाकार्पल बोन जो है ना, वो हमारे साथ ये इंडेक्स फिंगर की तरफ होगी। फिर इसके अलावा थर्ड वन ये टूवर्ड द मिडल फिंगर होगी, ठीक है, हमारे साथ क्या है, मिडल फिंगर। और इसके अलावा ये हमारे साथ रिंग फिंगर, सॉरी, ये फर्स्ट थंब की, यस, फिर इंडेक्स, फिर मिडल फिंगर, फिर हमारे साथ ये फोर्थ वन टूवर्ड द रिंग फिंगर, और ये हमारे साथ क्या है, लिटिल फिंगर है, इसकी तरफ होगी। तो हम इसी तरह से 1 थंब की तरफ, 2, 3, 4, 5, ठीक है, ये हमारे साथ
वो मेटाकार्पल बोन्स थी। इसके बाद आते हैं फिलेंजिस की तरफ, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये सारी बोन क्या है, फिलेंजिस है, बोन्स ऑफ द फिंगर, उंगलियों के बोन्स है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारे साथ क्या है, यहाँ पर थंब में अगर हम देख लें तो थंब में हमारे साथ एक है प्रोक्सीमल फेलेंजेस, और दूसरा ये जो ब्लू में मैंने डिफरेंट कलर में इसलिए शो किए गए हैं ताकि आप लोगों को दुश्वारी ना हो, ये हमारे साथ क्या है, डिस्टल फेलेंजेस है। तो इसमें ओनली डिस्टल एंड प्रोक्सीमल होंगे, ठीक है, टुवर्ड द थंब, ये इसमें क्या हो गए, ओनली टू प्रोक्सीमल, जबकि वाइल रेस्टिंग हैविंग प्रोक्सीमल इंटरमीडिएट एंड डिस्टल फेलेंजेस, फिर इसमें क्या हो गए, ये सारे हो गए, मतलब प्रोक्सीमल फेलेंजेस, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट फेलेंजेस जो कि बीच में है, इसके अलावा ये डिस्टल फेलेंजेस है, ठीक है। तो इसमें फिर ये भी होंगे, और टोटल ये कितने हैं, 14 नंबर है, मतलब यहाँ पर सिर्फ दो, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, यहाँ पर तीन, 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 छः, तीन, नौ, इसके अलावा हमारे साथ 13 और सॉरी 12, और ये फिर हो गई 14, तो ये हमारे साथ टोटल 14 बोन्स है, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ आखिर में जो मुझे याद आ गई, ये स्केपोइड बोन, स्केपोइड बोन आर वेरी प्रोन टू फ्रैक्चर, ठीक है, ये फ्रैक्चर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोन है, मतलब उसमें चांसेस है कि इसमें क्या हो जाए, वो हो फ्रैक्चर आ जाए, और मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट लेक्चर में भी, ये स्केपोइड और ल्यूनेड बोन ये कौन सी बोन के साथ आर्टिकुलेशन बनाती है, ये रेडियस बोन के साथ, थ्रो रेस्ट जॉइंट ये आर्टिकुलेशन बनाती है, इसके अलावा इन इन सब के बीच भी वो आर्टिकुलेशन है, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ सारी वो डिटेल डिस्क्रिप्शन अबाउट द बोन्स ऑफ द हैंड, ठीक है। इसके अलावा इंशाल्लाह फिर हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ये हमारे साथ इसकी भी चैप्टर ख़त्म हो गई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।